बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान अब्बासी। कोटली पुलिस ने मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलज़िम से कितनी मकदार में मंशियात बरामद हुई, इस खबर की तफसीलात से कबल नए आने वाले नाज़रीन को बता चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। कोटली पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू, एम इन के शफात मुतवक्को। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी ज़िला कोटली राजा अकमल खान, एएसपी खुरम इकबाल, डीएसपी नदीम आरिफ के जुराम पेशा अफराद को कला कमा करने के खसूसी मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए एसएचओ कोटली मोहम्मद शहजाद चौधरी ने पुलिस की एक खसूसी टीम तश्कील दी, जिसमें खलील अहमद, मोहम्मद जमील, मोहम्मद बोस्तान, राजा सफियान शामिल थे। पुलिस टीम की निगरानी खुद एसएचओ कोटली कर रहे थे। पुलिस टीम ने बाईपास नज़ लतीफ मैरिज हॉल पर कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश रिजवान उर्फ मंगू वल्द रजाक उम मलक साकना प्लेथेर को गिरफ्तार करते हुए मुलजम के जेर कब्जा से 615 ग्राम 4345 ग्राम हीरोइन बरामद कर लिया। मुलजम के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त करके मुलजम के खिलाफ 9B CNSA के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। याद रहे कि मुलजमान आदि मंशियात फरोश है और मुख्तलिफ मुकामात में गिरफ्तार होकर चलाने अदालत मजाज हो चुका है।